Hello and welcome to the channel. So today we'll see the recruitment notification from CBSE. So here it is, the vacancy notification for various posts, right? So the first notification will open and I have already downloaded it and I'm going to show you that the scope in geography. Okay, after pursuing a master's degree and doing B.Ed in geography, what opportunities you will go get. So basically our subject is geography. This channel is dedicated to geography subject and we'll deal with that, we'll talk about that subject. So the post we are eligible, here it is, you can see the Central Board of Secondary Education. This is the recruitment body and these are the various posts. So if you see the post you are eligible, you would be eligible is the assistant secretary academics, or you can be eligible, definitely you can be eligible in the other post, but you have to have the relevant degrees. But we are talking about geography, so you will be eligible in the group A post, that is post code is 2/24, that is assistant secretary academic. So maximum age will be 30. Pehle ye baat clear kar lijiye aur dekhiye total seats jo hoga 16, but usme hamara koi matlab nahi hai kyunki geography subject mein sirf ek hi seat hai. Main aapko dikhata hu, chaliye baki bekar ki cheeze dekh lena aap. Aur jo application ka form hai ye 12th se start ho gaya tha, iska notification मेरे को जानकारी मिला था, मैंने वीडियो नहीं बना पाया. तो आज लगभग 9th अप्रैल है आज, और दो दिन ही आपके पास होगा, तो 11th को लास्ट डेट है. कोई बात नहीं, आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो अगर चैनल के साथ आप कंटिन्यूसली जुड़े होंगे. तो देखिए यहाँ पर है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज है और देखो हिंदी इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है और जियोग्राफी यहाँ पर है फ्रॉम लास्ट थर्ड लास्ट. तो देख सकते हो कि एक ही पोस्ट है, तो ठीक है, तो बाकी हमको कोई मतलब नहीं है, एक ही पोस्ट है. तो चलिए हम बाकी देख लेते हैं. फीस इसका काफ़ी हाई है, तो उसके पहले हम देखो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए. आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब जियोग्राफी में आपका एम ए होना चाहिए. दूसरी बात, बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए. तीसरी चीज़ भी देखो लिखा है एसेंशियल नेट और SLET और इक्विवलेंट और डॉक्टरेट डिग्री यानी PhD होना चाहिए और नेट सेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है. तो ये तीन एसेंशियल है, नेट होना एसेंशियल है, ध्यान रखिएगा, बीएड होना एसेंशियल है और मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे. एक ही पोस्ट है, ठीक है, सैलरी अच्छी होंगे. तो देख लेते हैं हम आप क्या है. देखो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख लेना इसके हिसाब से. एज रिलैक्सेशन तो हर एग्जाम में होता है. एग्जामिनेशन फीस की बात कर ले तो देखो अनडिजर्व OBC एंड EWS के लिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए है 1500 रुपीज़ एंड ग्रुप बी एंड सी के लिए है 800. तो हमको लगेगा 1500 क्योंकि वो पोस्ट हमारा ग्रुप ए पोस्ट है. और अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं या फिर एक सर्विस मैन है तो बहुत बढ़िया, बधैया हो आपको, नील है. एप्लीकेशन फी जीरो है, तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा. अब देखो एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा, और उसके पहले हम बाकी चीज़ें जानने से पहले हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को देख लेते हैं. तो यहीं से क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो बने नहीं, मैं यूट्यूब में सर्च किया और जाकर देखा, तो जो पहला पोस्ट है यानी ये वाला कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर में, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं बट हमारा एकेडमिक्स में कुछ वीडियो बने नहीं. तो बहुत लोग कमेंट में भी लिखे थे उन वीडियोस को, तो मैंने सोचा कि यार चलो एक देखते हैं इसके डिटेल में. तो जो भी डिटेल में जान पाऊंगा इस पोस्ट के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, डेफिनेटली आपको शेयर करते रहूँगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा. बाकी देख लेते हैं कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जितने भी पोस्ट है, देखो एकेडमिक्स हो या ट्रेनिंग हो या स्किल एडुकेशन हो, सब में सिलेबस सेम ही होगा. तो ये एग्जामिनेशन जो होगा ये टायर 2 एग्जामिनेशन होगा. पहला तो आपका टायर 1 टेस्ट होगा जो कि OMR बेस्ड होगा. ये देखो द कैंडिडेट्स इन द रेशियो 1:10 विल बी अलाउड टू अपेयर इन टायर 2. अब जब टायर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, बट उसके लिए आपको टायर 1 में क्वालिफाई करना पड़ेगा. ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और पर्सनल इंटरेक्शन इन द रेशियो ऑफ 1:5. इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट इन ड्यू कोर्स. द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज एज गिवन बिलो. तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहले टायर में एग्जामिनेशन होगा वो आपका 300 मार्क्स का रहेगा. इनमें से थ्री पार्ट रहेगा. पार्ट 1 में क्या है, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस है जो कि 100 मार्क्स का होगा, और इच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, ठीक है, डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होंगे.
तो वो सब ठीक है, चलो वो अपनी जगह है, देख लेते हैं सिलेबस। देन स्किल्स फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये क्या होगा देखना पड़ेगा। बाकी पार्ट वन में जो है करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में कुछ बोलने का है नहीं आपको, क्योंकि इसका सिलेबस कुछ होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 100 मार्क्स रहेगा। बाकी देखो पार्ट टू से स्किल फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी 100 मार्क्स। और पार्ट थ्री में जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज एसोसिएटेड टू स्कूल एडुकेशन, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बीएड का जो सिलेबस होगा वो आई थिंक रिलेटेड होगा, तो वहां से भी आपका 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल 300 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस इन द टायर वन एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन कितना होगा आपका 2 and 2.5 आवर्स, यानी 2.5 आवर्स। तो ये होगा टायर वन की बात। अब देखो टायर टू में क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा। और यहाँ का सिलेबस जो है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, टोटल मार्क्स होगा 320, मतलब बाकी कुछ तो नहीं बोला गया भाई, ये मतलब कितना क्वेश्चन रहेगा, कैसे रहेगा, पैटर्न क्या होगा, तो ये सारे चीज़ें मेरे को फिर से डिस्कवर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर छोड़ते हैं, सिर्फ सिलेबस को मैं आपको दिखा देता हूँ। और इंटरव्यू में देखो 80 मार्क्स होगा, यानी फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन पार्ट बी एंड सी, यानी टायर वन की जो एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ देखो फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन पार्ट बी एंड सी, याद रखिएगा एक ही पोस्ट है। और क्या आएगा आपका जो परफॉर्मेंस यानी मेरिट बनेगा वो बी एंड सी के बेस पर बनेगा, यानी टोटल आपका 400 के अंदर जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन था, बाकी हम देखेंगे नहीं क्योंकि इसमें हम एलिजिबल है नहीं, जियोग्राफी ग्रेजुएट, तो बेकार में टाइम वेस्ट करने की कोई बात नहीं बनता। तो मैं आपको फटाफट से क्या दिखा देता हूँ, एक बार सिलेबस को दिखा देता हूँ, और कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ है नहीं। और सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, तो ये तो बहुत सारे सिटीज़ है, आप कहीं भी जाकर देखा रहना, नहीं बहुत सारे तो नहीं है भाई, ये 14 सिटीज़ ही है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है हमारा, कलकत्ता में है क्या, अरे भाई कोलकाता में तो है, कोलकाता में ही तो नहीं है, अच्छी बात है। चलो फिर कहाँ जाने पड़ेगा मेरे को, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, ये भुवनेश्वर जा सकते हैं क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अब महाराष्ट्र में हो तो आप पुणे में जाना पड़ेगा आपको, मध्य प्रदेश हो तो भोपाल जाना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम देने, केरला, तो ये भी देख लेना भाई क्योंकि फीस बहुत हाई है, 1500 अगर आप जनरल OBC या EW इस कैटेगरी से हो तो ये एग्ज़ाम देना क्या है एग्ज़ाम देने के लिए इन स्टेट में और इन सिटीज़ में जाना पड़ेगा आपको, तो देख लेना। आंध्र प्रदेश में आपका विजयवाड़ा है, असम में गुवाहाटी है, बिहार का पटना है, चंडीगढ़ कैसे कैपिटल सिटीज़ ही है, बट मेरे पास का तो सिर्फ उड़ीसा है, भुवनेश्वर यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, और हो सकते तो बिहार में जो है पटना, क्या ये जाना पॉसिबल होगा, तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। चलिए बाकी कुछ है नहीं, देखो मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि इन टायर वन 2 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.5 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। एंड और क्या इंपॉर्टेंट रू नोट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चलो ये सब छोड़ो, हाँ ये तो नींद आ गया ये पढ़ते पढ़ते। अच्छा क्या है अनफेयर मीन, चलो ये सब बेकार की बात है। और कुछ है नहीं, आपको मैंने बता दिया, तो यही है क्या क्या सिलेबस में आपको पार्ट थ्री सिलेबस मतलब पार्ट थ्री पार्ट है सिलेबस में टायर वन की एग्जामिनेशन में क्या क्या बोला मैंने, करंट अफेयर्स, दूसरी चीज़ आपका बीएड के रिलेटेड चीज़ें और कुछ था, ऑफिस रिलेटेड चीज़ें कुछ था, तो वो स्किल रिलेटेड एनालिटिकल स्किल से ये सब चीज़ें था, तो वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम होगा, जो जैसा बताया टायर टू में डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा, तो वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, ठीक है। आप एकेडमिक्स में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो सिलेबस को एक बार देख लो, सिलेबस आपका वही UGC नेट या फिर जो भी PGT TGT में रहता है बाकी सारे एग्ज़ाम का, तो वही लगभग है सिलेबस, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो जियोमॉर्फोलॉजी है, यहाँ पर आर्थ इंटीरियर, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, एंडोजेनेटिक एंड एक्सटेनेटिक फोर्सेस, देन सिस्मिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वल्कनिसिटी, प्लेट टेक्टोनिक्स, माउंटेन बिल्डिंग, आइसोस्टेटिक डेनुडेशन, ये सारे है, आई थिंक ये तो पता ही होगा आपको। चलो क्लाइमेटोलॉजी देखो, कुछ नया कुछ है नहीं, वही सिलेबस है जो आप नेट में पढ़ते हो या फिर PGT TGT के लिए पढ़ते हो, तो ये तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, दिक्कत तो क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो आप पढ़ते रहो, बस प्रिपरेशन करते रहो, फॉर्म फिलअप कर देना। और क्या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन जियोग्राफी, ये थोड़ा नया लग रहा है ना, ये
अरे नहीं, ये तो ज्योग्राफिकल थॉट है। अब देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगा, सोशल एंड कल्चर होगा, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी होगा, यही सारे होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, आप जब प्रिपरेशन अगर कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो डेफिनेटली इसको प्रिंट कर लेना। और क्या है, पहले तो आपको प्रिले के लिए अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर भी 300 मार्क्स एग्जाम है, ऐसे वो क्वालिफाइंग है, बट फिर भी आपको दोनों तरफ से पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली प्रिंट आउट कर लीजिएगा इसको और पढ़ते रहेगा अच्छे से। देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से भी पूछा जाएगा चीज़ें, कार्टोग्राफी, ये सारे बहुत कुछ नया नया दिख रहा है मेरे को टर्म्स, जैसे कि ग्लोनास, आई आर एन एस एस, ये सब तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ये है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का वगैरह बहुत सारे कुछ पूछा जाएगा। और फ्यूचर, अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो सिलेबस काफ़ी आई थिंक कि क्वेश्चन जो होगा यूपीएससी वाला, यूपीएससी टाइप का ही होगा, तो डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो बता दिया सारे चीज़ें, आप देखो प्रिपरेशन कैसे करना है वो तो मेरे को नहीं पता, तो मैं डेफिनेटली रिसर्च करके अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, अगर फॉर्म फिलअप किया तो। बाकी आप खुद से स्टार्ट करो अब देखना, ठीक है, थैंक यू।